मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान। जनाब उस्ताद और मेरे हम मकतब साथ हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर रब को शायर करने का मौका मिला है, उसका ईमान है सीरतुल नबी। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही दाहा। यकीन मानिए, जब मुझे मौजू मिला, देर खुला, दिमाग सोचों का मरकज बना, जिस्म का रवान वहाँ ताजे लोगों की तरह थम गया कि आज मुझे सीरतुल नबी पर कुछ कहना है। जनाब सदर यकीन मानिए, जब मैं सीरतुल नबी का तज़किरा करती हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर दिखाकर हदायत की दुआ देने वाले नजर आते हैं। जब मैं सीरतुल नबी के मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे मक्का में आम माफी का ऐलान करने वाले खैरुल बशर याद आ जाते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे हिंदा को माफ कर देने वाले खैरुल बशर याद आ जाते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे आमना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह की हिदायत करते नजर आते हैं। मैं किस्मत की क्या बात करूँ, वो नबी मेरे मतलब को पाने वाले, मुरादे गरीबों के बढ़ लाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, अपने पराई का गुलाब खाने वाले। आज की दुनिया वाले किसी के ध्यान पर नाज करते हैं तो किसी की खूबसूरती की बात करते हैं, किसी के इशार पर नाज करते हैं तो किसी की सखावत की बात करते हैं, तो किसी के मान पर नाज करते हैं। मैं इस नबी पर नाज क्यों ना करूं जिनमें इस सारी खसूसियात पाई जाती हैं। जनाबे सदर, मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सदीक बन गए, मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे अली शेर खुदा बन गए, मेरे नबी के अंदर शिजात थी जिससे उस्मान गनी बन गए, मेरे नबी के अंदर सखावत थी जिससे उमर फारूक अजीम बन गए। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरा साहब का एक भाग भी पूरा ना हो सका। जनाब सदर यकीन मानिए, जिसके दिल में नबी के लिए मोहब्बत नहीं, उल्फत नहीं, जज्बा नहीं, ऐसे निर्मल इंसान फासिक तो हो सकता है, मुनाफिक तो हो सकता है, काफिर तो हो सकता है, पर ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। आज इश्क रसूल के बड़े बड़े दावे करने लगे था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते नजर आते हैं। मेरे साथियों, मैं यहाँ ये कहना भी जरूरी समझती हूँ कि इश्क रसूल ये नहीं कि एक बड़ा सा चिलावा कर लो या सिर्फ जून चुन कर ना कर लो या तकरीरें कर लो। मेरे नबी से मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खाने पीने सोने उठने बैठने में मेरे नबी की पैरवी करो। जनाब सदर, दिल तो नहीं चाहता कि इस मुकद्दम को कुछ वक्त की किल्लत है, मज़मून की तो हालत है, कुछ वक्त की किल्लत है, मज़मून की तो हालत है, कुछ कहने की हसरत है, अल्फाज की कसरत है, कुछ कह नहीं सकती, चुप रह भी नहीं सकती। इब्तिदा भी वही है, वही इख्तिताम, मेरे नबी पर अरबों दुरूद खरबों सलाम।